नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत चर्चित आत्महत्या केस नाला सुपारा तुलिंज अंतर्गत पिछले साल एक शिक्षक आशुतोष सिंह रघुवंशी ने किन्हीं कारणों से दुखद खुद अपनी जान ले ली थी। आज आशुतोष सिंह रघुवंशी की प्रथम पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर उनके परिवार के सदस्यों ने, उनके भाई बहनों ने एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा था और अपने भाई को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की, प्रथम पुण्य स्मरण किया उनका। आपको बता दें, ये वही केस है जिसमें लगातार प्रशासन पर सवाल उठते रहे हैं और विशेषकर अभी हाल ही में हमने देखा है तुलिंज पुलिस स्टेशन के खिलाफ इस पीड़ित मृतक के परिवार ने किस तरह से मोर्चा उठाया था और हो न हो देर सवेर इस पीड़ित के परिवार के सदस्यों की मेहनत रंग लाई और जो आरोपी है वो आज सलाखों के पीछे है। अब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, हम अपनी तरफ से कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि एक शिक्षक ने खुद अपनी जान ले ली थी, जो दुखदायी घटना को आज एक वर्ष पूरा हो चुका है। आगे वीडियो में देखिए क्या ये कार्यक्रम था, क्या कुछ कहना है उस शिक्षक की बहन और उसके भाई का, सुनिए हमें वीडियो में आगे, बने रहिए हमारे साथ। मैडम क्या कहेंगे, आपके भाई की आज प्रथम पुण्यतिथि है, आपने यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, इसके पीछे का मकसद क्या है? श्रद्धांजलि सभा का मकसद अगर मैं बताऊं भाई तो किसी का क्या हो सकता है। ये एक तरह से देखने जाए तो इतना बड़ा हमारा लॉस है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। आज एक साल हो गए आशुतोष सर को मरे, पिछले साल आज के ही दिन हम शादियों की तैयारी में जुटे थे और ये सबसे हमारे लिए इतना बुरा दिन है आज के दिन कि हमने अपने भाई को खो दिया। लेकिन दूसरे तरफ से ये है कि हम अपनी जीत की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं, चारों आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, जुडिशरी सिस्टम ने हमारा सुना, हमने एक साल फाइट किया, तीन बार उनकी बेल खारिज हो चुकी है और वो हाई कोर्ट भाग गए और मुझे अपनी जुडिशरी सिस्टम पे पूरा भरोसा है, हमारी न्याय प्रणाली हमारा दर्द सुनेगी, देखेगी, जानेगी और मेरे भाई के साथ जितना इन चारों आरोपियों ने गलत किया उसके लिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देगी। और आज तक ऐसा देखा जाता है कि कहीं ना कहीं या तो दबाव में या फ्रस्ट्रेशन में या और किसी कारण से परिवार जो है मूल मुद्दे से भटक जाता है और कहीं ना कहीं छोड़ देता है, उम्मीद जो है न्याय की वो उम्मीद छोड़ देता है। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है, आप लगातार एक साल से फाइट करते चले जा रहे हो और अभी हाल ही में पिछले दिनों में हमने देखा है कि किस तरह से आपने क्या क्या आंदोलन किया और उसी की वजह से आज आरोपी सलाखों के पीछे है, तो आगे आप इसको जारी रखेंगे? बिल्कुल मैं जारी रखूंगी, जब तक चारों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाती तब तक ही हमारा आंदोलन हो, कानून से मदद हो, हमारा लगातार जारी रहेगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ा झटका तो हमें तब लगा कुछ दिन पहले हमें मालूम पड़ा कि मेरे भाई जो फिरियादी संदीप सिंह है उनके सारे स्क्रीनशॉट के एविडेंसेस जो एपीआई दीपक गिरकर है उन्होंने चारों आरोपियों को हैंडओवर कर दिया था, तो इस बात के लिए मुझे बहुत नाराजगी है इस पुलिस प्रशासन से कि अगर इतना गलत हमारे साथ हो सकता है तो हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें पता है, लेकिन जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होंगे, जिनको लीगल नॉलेज नहीं होगा, जिनको इतना पता नहीं होगा, और दीपक गिरकर जैसे एपीआई ऑफिसर अगर ऐसा काम करेंगे तो इस देश में कोई कानून से क्या मदद कोई उम्मीद करेगा। आपका ही ये इतना कुछ करना था कि दीपक गिरकर को जो है यहाँ से
पालघर भेजा गया, उसके बाद अब दूसरे आयोग से आपको कितनी उम्मीद है? दूसरे आयोग से मैं सर उम्मीद कर सकती, बट मेरा एक कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। सो मेरे जब एविडेंसेस चले गए और एक साल हमने स्ट्रगल किया, जिसमें एपीआई दीपक गिरकर ने से नोट में क्या दिया जुडिशरी सिस्टम को कि उन लोगों को इंटरिम मिल गया था, तो मैं पूरी तरीके से भरोसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मगर सदानंद दाते जी के आने से, जो मीरा भाईंदर के नए कमिश्नर हैं, उनसे मेरी थोड़ी उम्मीद जगी है। और मैं चाहती हूं कि जिस तरीके से उन्होंने जो कुछ दिन में एक्शन लेने के लिए जो प्रेशर किया, और तुलिंज पुलिस स्टेशन के ऑफिसर ने जो थोड़ी बहुत काम की है, मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके से अगर आगे करते रहेंगे तो ठीक है, अदरवाइज हमारा डिमांड आगे चलेगा कि हमें सीबीआई चाहिए। बिकॉज अभी भी हमें बिल्कुल पूरी तरीके से भरोसा नहीं तुलिंज पुलिस के ऑफिसर पे, क्योंकि बहुत लीपापोती हमारे केस में कर चुके हैं। अभी तक तो शायद मेरे भाई को न्याय मिल भी चुका होता, एक साल हो चुका ऑलमोस्ट, हम बहुत स्ट्रगल करके इस पेज पे पहुंचे। आपने कमिश्नर साहब का भी नाम लिया जी, तो कमिश्नर साहब से आपकी मुलाकात हुई? जी बिल्कुल, दखल दिया उन्होंने, जैसे मैंने मेरी कंप्लेंट दी उन्होंने तुरंत फैक्स किया और बोला कि 5 दिन अगर हो गए बेल खारिज हो चुका है तो जितना जल्दी हो सके उनको अरेस्ट कीजिए और हमें 10 दिन के अंदर रिपोर्ट दीजिए। तो फैक्स आने के आई थिंक 9th डे पे पकड़े गए हैं वो लोग। सो इस चीज़ से मुझे उम्मीद जगी है कि शायद उन्होंने इस चीज़ पे जो अपनी कार्रवाई करने के लिए ऊपर से प्रेशर दिया, वो कहीं ना कहीं मेरे भरोसे को थोड़ा आगे बढ़ने पे मजबूर कर दिया है। और मैं अभी भी उन पर भरोसा कर रही हूँ कि आगे भी हमारा जो कार्यवाही है उस पर पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि हमारा एविडेंस से जाने के बाद तुम्हारा पूरा भरोसा ही उठ गया है। तो लिंच बोले आपका भाई, आपके भाई का जाना एक बहुत बड़ी क्षति है, वो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन आपके इस केस के बाद आप आम जनता में से किसी को, दूसरे लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी के भी साथ गलत हो, किसी के भी साथ, चाहे वो रेप हो, मर्डर हो, कोई भी हो, आप किसी भी चीज़ से आपको पीछे हटना नहीं है, क्योंकि ये कहीं भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा गया है कि आपके पास वकील हो तो ही आप केस लड़ सकते हो। आप खुद में एक सबसे बड़े वकील हो, अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज लेके किसी को पूछताछ करके आप खुद भी फाइट कर सकते हो, क्योंकि कोई भी जज बुरा नहीं होता, जज दोनों पक्ष का सुनता है और फिर न्याय देता है। तो इस जुडिशरी सिस्टम में मुझे पूरा भरोसा, और उस जज ने सुना, हमारे देश को ऐसे न्याय प्रणाली की और ऐसे जज की बहुत ज़रूरत है। अंतिम सवाल, आज के इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होने वाला है और क्या है इसके ऊपर? हमने तो सबको बुलाया है और मैं चाहती हूँ कि सभी आए और मेरे भाई को श्रद्धांजलि दें और हमें भी हिम्मत दें, ताकि हम आगे की जो लड़ाई हमारी जारी है वो जारी रहे, ताकि मेरे भाई को पूरी तरीके से इंसाफ मिल सके। और अब धीरे धीरे सब आने भी लगे, हमारा टाइमिंग 5 से 9 था, मगर जैसा कि आपको मालूम है कि ये लॉकडाउन का समय है, सो जिस तरीके से जिसको समय मिलेगा उस तरीके से वो आएंगे, श्रद्धांजलि देंगे और जाएंगे। सर, अब तक की जांच से आप कहां तक संतुष्ट? जांच जब हुई नहीं है तो संतुष्ट होने की कोई बात ही नहीं होती है। नहीं, लेकिन जो आपने कदम उठाए थे और आपने जो आंदोलन किए थे उनको लेकर, हाँ, आपके भाई के, आपका जैसा आरोप है, हाँ, जिन्होंने उसको आत्महत्या के लिए उकसाया, वो लोग आज सलाखों के पीछे है, तो इस विषय पर आप कहां तक संतुष्ट? अगर वो सलाखों के पीछे हैं तो 11, आज एक साल हो गया, 11 महीने जब आशुतोष को हमसे दूर गए 11 महीने में, तब जाके वो अंदर हुए। और इस 11 महीने की कंटिन्यू निरंतर इंसाफ की लड़ाई के लिए हमने एक दिन भी, मतलब ऐसा नहीं कि पीछे कदम हटाया या ऐसा लगा कि 11 महीने हो गए अभी तक तो लोग बाहर ही हैं, तो हम लोग ने कहीं पर भी ढीलापन नहीं किया कि शायद मेरे भाई को न्याय ना मिल पाए। ये सारी चीज़ें सोचकर हम लोगों ने थोड़ा भी ढीलापन नहीं किया, हमने निरंतर प्रयास जारी रखे, जिसके बदौलत आज वो चारों गुनहगार सलाखों के पीछे हैं। और इसके अंदर मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने न्याय प्रणाली को, जज सर को, जिन्होंने 3 बार उनका क्रिमिनल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया, दोनों पक्षों की सुनी और एक सही निर्णय लेते हुए उन लोग जज सर ने 3 बार उन लोगों का बेल रिजेक्ट किया। और जहाँ एक बैनर लगाया हुआ है, हाँ, जिसमें एक शब्द ऐसा इस्तेमाल किया हुआ है कि शिक्षण माफिया, इसकी थोड़ी परिभाषा दीजिए।
शिक्षक माफिया, शिक्षक माफिया का मतलब, माफिया का मतलब क्या होता है, चाहे वो भू माफिया हो, अगर भू माफिया मतलब गैर कानूनी तरीके से भूमि कब्जा करना, उसी तरह से शिक्षक माफिया, इन लोग शिक्षा के क्षेत्र में माफिया हैं जिन्होंने एक शिक्षक की जान ले ली, हाँ, उससे पैसे वसूले, उससे ब्लैकमेल किया, उससे उसके साथ धोखाधड़ी की, तो ये एक तरफ से शिक्षक शिक्षा माफिया ही हैं। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।